Hello, good morning student. So today we are going to discuss chapter 9 and the chapter name is Life in the Desert. Life in the Desert means कि जो desert में किस तरह की ज़िंदगी जी जा रही है या वहाँ की lifestyle किस तरह की, वो अब हम इस chapter में देखेंगे. So first of all, I'm gonna read this chapter and then I'm gonna explain you. So in chapter 5, you have seen that the water means life to plants, animals and people. It is difficult for anyone to live in a place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with the extreme harsh temperature. In some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. These are characterized by a low rainfall, scanty vegetation and the extreme temperatures. Depending on the temperature, there can be a hot desert or the cold desert. The people inhabit these lands wherever the little water is available to practicing culture, agriculture. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, पानी जो है ज़िंदगी जीने के लिए, लोगों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि बिना पानी को पिए वो कई सारे दिनों तक ज़िंदा रह सके. इसके साथ साथ जब डेजर्ट की बात की जा रही है, तो दुनिया के ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, कहीं पर इतनी ज़्यादा गर्मी है या कहीं पर कुछ और चीज़ें हैं. तो हर तरह का आपको जो है यहाँ पर डेजर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, वो डेजर्ट भी डिपेंड करता है कि हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है. सो नाउ वी सी द हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द सहारा कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट एंड इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.554 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. डू यू रिकॉल दैट द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द सहारा डेजर्ट टचेज द 11 कंट्रीज. दीज आर द अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, टूनिशिया एंड द वेस्टर्न सहारा. तो ये सारे जो है बेसिकली आपको बताया गया है सहारा के बारे में, जो एरिया ये कवर करता है. इसके साथ साथ ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, डेजर्ट है सहारा. When you think about the desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand, but beside the vast stretch of sand, the Sahara Desert is covered with, there are also a gravel plains and the elevated plateau with a bare rocky surface. These rocky surface may be more than 2500 meter high at some places. अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे ही आपको कहा जाए कि आप सहारा या फिर किसी भी डेजर्ट के बारे में, तो आपके दिमाग में एक जो इमेज तैयार होती है, वो इमेज कैसी तैयार होती है, जैसे काफ़ी सारी रेतीली जगह हो. तो बल्कि यही नहीं, इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो है आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगी. कई सारे पत्थरों की चट्टानें, पत्थरों के ऊपर आपको रेत देखने को मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है डेजर्ट में कॉमनली आपको देखने को मिलती है. इसके साथ साथ क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्शली ड्राई. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन. द स्काई इज क्लाउडनेस and the clear air, the moisture evaporate faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. अब देखिए यहाँ पे क्लाइमेट की बात की गई है, तो क्लाइमेट जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है और हॉट होता है. यहाँ पे मॉइस्चर बहुत जल्दी ईजिली इवेपोरेट हो जाता है. जो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ का, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इतना ज़्यादा हाई है. और जो इस वजह से यहाँ की रेत और जो पत्थर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, गर्म होते हैं. और रात के टाइम पे इसका टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है, जो कि काफ़ी फ्रीजिंग होता है, काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर होता है, विच इज़ नियर ज़ीरो, नॉट ज़ीरो एग्जैक्टली. द फ्लोरा एंड द फौना. वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स द कैक्टस, डेट पाम एंड द एकेशिया. इन सम प्लेसेज देयर आर ऑसिस ग्रीन आइलैंड विद द डेट पाम सराउंडिंग दैम. कैमल्स, हैनन्स, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मेनी वेराइटीज ऑफ स्नैक्स एंड द लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग हियर. अब यहाँ पे देखिए बात की गई कई तरह के एनिमल स्पीसीज की, तो यहाँ पे आपको जो वैसे ही पेड़ पौधे और एनिमल लाइफ देखने को मिलेगी, जो इस तरह के वेदर में जो है सूटेबल होती हैं उनके लिए जीने के लिए. पीपल, तो आप पीपल के बारे में देखिए बताया गया है. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue a different activity. Among them are the Bedouins and the Tuaregs. These groups are nomadic tribes, rearing livestock such as goats, sheep, camels, and horses.
These animals provide them with a milk hiding from the which they make a leather for a belt, slippers, waters, bottle hair is used for mat, carpet, cloth and blankets. They wear heavy robes as a protection against dust, storms and the hot winds. अब देखिए यहाँ की लाइफ जो होती है, इनकी लाइफ यहाँ पे कई सारे nomadic tribes भी रहते हैं जो जिनका बेसिकली जीने का सहारा क्या होती है, गोट, शिप्स, कैमल्स और हॉर्सेस इनको ही पालते हैं, इनके दूध, मांस, मछली से जो है इनका लाइफ जो है चलता है। ये लेदर की स्लीपर्स और बेल्ट्स यूज़ करते हैं, इसके साथ इनका हेयर जो है वो इनके हेयर वो मैट्स और कारपेट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स के लिए भी वो इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। Now, the oases in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supported the settled population. जो यहाँ की नाइल नदी है वो यहाँ की population जो रह रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा support करती है क्योंकि पानी जो है उनको इसी नदी से मिलता है। Since water is available, the people grow date farms and crops such as rice, wheat, barley and the beans are also grown. Egyptian cotton famous worldwide is grown in Egypt. Egyptian का एक cotton है जो कि बहुत famous है और वो यहीं पर उगाया जाता है। The discovery of oil a product in a great demand throughout the world in Algeria, Libya and the Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium. The cultural landscape of the Sahara is undergoing the change. Gleaming glass case office building tower over a mosque and the superhighway crisscross and the ancient camel paths, trucks and replacing camels in the salt trade. Turgays are seen acting as the guides to a foreign tourist. More and more nomadic huntsmen are taking to city life, finding jobs in oil and the gas operation. अब देखिए यहाँ पे बात की गई कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख, तो चलिए हम लद्दाख के बारे में देखते हैं क्या है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। द काराकोरम रेंज इज द नॉर्थ एंड द झंकार माउंटेन इन द साउथ इंक्लोज द सेवरल रिवर फ्लोज थ्रू द लद्दाख। इंदूस बींग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दैम द रिवर्स फ्रॉम अ डीप वैली एंड द Gorges, several glaciers are found in Ladakh, for example, the Gangri glaciers. The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 800 meter in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just above 0 degree and the night temperature well below -30 degree. It is freezing cold in the winter when the temperature may be remain below -40 degrees Celsius for most of the time. As it lies in the rain shadow of the Himalaya, there is a little rainfall as low as 10 centimeter every year. The area experiences freezing winds at the burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from the both sunstroke and frostbite at the same time. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो लद्दाख है ये काफ़ी कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ का जो वेदर है किस तरह का होता है, यहाँ पे ठंड भी उतनी ही होती है और गर्मी भी उसी तरह की पड़ती है। यहाँ रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम है, लाइक 10 सेंटीमीटर्स यहाँ पे बहुत एवरी ईयर जो है यहाँ का परसेंटेज जितना ही हो पाता है। नाउ वी सी द फ्लोरा एंड फौना। Due to the high aridity and the vegetation is sparse, there are scanty patches of the grass and the shrub for animals to graze. Groves of the willows and the poplars are seen in the valley. During the summer, fruit trees such as apples, apricots and the walnut bloom. Several species of birds are sighted in the Ladakh, robins, red starts and Tibetan snow cock, raven and the hoopoe are common. Some of these are the migratory birds. The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak and the special kinds of dogs. The animals are reared to provide for the milk, meat and hides. Yak's milk is used to make a cheese and the butter. The hair of the sheep and the goat is used to make a woolens. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ की लाइफ और वेजिटेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है तो यहाँ पे काफ़ी स्पार्शली और यू कैन से द रेयरली आपको यहाँ पे ग्रासेस देखने को मिलेंगी जो कुछ टाइम के लिए आती हैं होती हैं और फॉर द एनिमल्स पास्चर्स। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ की जो मौसम है उसके वेदर को सूट होते हुए मिलेंगे, मतलब जो यहाँ पे रह सकते हैं उसी तरह के एनिमल्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे जिसके एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं।
नाउ यू सीन डू पीपल, यहाँ के लोगों का पहनावा उड़ावा भी जो है वो कुछ इसी तरह का होता है जैसे ठंड में लोगों का होता है। यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं, यहाँ की चीज़ों से बनी हुई चीज़ों का जो है ये रहेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। अभी इसके साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म के बारे में बताया गया है। तो टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद अस सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया एंड अब्रॉड विजिट टू अ क्रैम्पस ट्रैक्स। अब देखिए यहाँ पे जो टूरिज्म की बात बताई गई, तो यहाँ की लाइफस्टाइल और इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा टूरिज्म के बेस पे होती है, सबसे ज़्यादा उसी की चलती है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और जब भी लोग आते हैं तो कई तरह के डांस और फंक्शंस जो हैं ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कई तरह की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो वुमेंस आपको पहनते हुए दिखेंगे, उन ड्रेसेस को पहन के आप फोटो भी खिंचा सकते हैं, एज अ रेंट आप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी पे वहाँ की काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, एक घूमने के पर्पज़ से टूरिस्ट के लिए जो है बेस्ट प्लेस है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।